नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का आंकलन 4 हल करेंगे। तो इस आंकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो इस आंकलन का पहला प्रश्न है, घन की फलक होती है तो जो घन होता है उसकी फलक की जो आकार है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गाकार फलक होती है घन की। ये इस प्रकार घन की आकृति होती है जिसमें सारी फलक होती है वो वर्गाकार होती हैं। दूसरा प्रश्न, सर्दी के मौसम में श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस था, उसी दिन शिमला का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, फेफाना का -3 डिग्री सेल्सियस एवं नोहर का -6 डिग्री सेल्सियस था, इनमें से कौन सा स्थान गर्म था। तो वैसे ध्यान से देखेंगे तो इन सभी का तापमान है वो माइनस में है, लेकिन माइनस में भी सबसे गर्म कौन सा है, तो सबसे गर्म माइनस में ये हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस और ये तापमान है फेफाना का, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा फेफाना। तीसरा प्रश्न है, -25 से छोटा पूर्णांक है तो -25 से छोटा पूर्णांक हम ज्ञात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर शून्य है, इस तरफ माइनस की संख्या है तो -25 यहाँ पर है, तो इससे इस तरफ वाली जो संख्याएं होगी बाईं तरफ वाली संख्याएं वो सारी छोटी होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -26। -26 है वो -25 से छोटा है, बाकी -24, -22 और -21 ये सब -25 से बड़े हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से न्यून कोणों का युग्म है तो हमें यहाँ पर कोणों के युग्म दे रखे हैं जिनमें न्यून कोणों का युग्म हमें बताना है और न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा का होता है। तो 90 डिग्री से कम के कोणों का युग्म हमें देखना है, 65 डिग्री और 25 डिग्री ये युग्म इसमें सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों कोण है वो 90 डिग्री से कम के हैं। पांचवा प्रश्न, दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए, यहाँ पर हमें कुछ पूर्णांक संख्या दे रखी है उनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या रेखा पर संख्याएं लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये धनात्मक संख्याएं हो गई दाईं तरफ और बाईं तरफ हो जाती है ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस प्रकार हमने इनको संख्या रेखा पर लिख दिया है। अब हमें जो भी पूर्णांक संख्याएं हैं इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है उनको एक एक करके लिख देते हैं। -4 तो -4 है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे -4। अगली संख्या है -5 तो -5 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा -5। 6 है ये धनात्मक है यानी प्लस के हैं तो प्लस के 6 यहाँ पर हो जाएंगे। -2 तो ये -2 हो जाएंगे यहाँ पर तो हम लिख देंगे -2। अब है 3 ये प्लस के हैं तो 3 आ जाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। ख में है -15 -20 25 -10 -5 और 10 तो शून्य हमें यहाँ पर दे रखा है तो धनात्मक संख्या हम इन इकाइयों को 5-5 के अंतराल में मान लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। इसी प्रकार बाईं तरफ आ जाएगी माइनस की संख्या है, 10, 15, 20 -25 -30 और -35। अब इनको बारी बारी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली है -15 तो -15 यहाँ पर आ जाएंगे ये -15। अब है -20 तो यहाँ पर ये -20 इसको लिख देंगे -20। अब है 25 ये धनात्मक संख्या है तो इस तरफ आ जाएगी ये हो जाएंगे 25। अब है -10 तो -10 है यहाँ पर ऋणात्मक संख्या -10 -5 इसके पास में ये -5 और 10 धनात्मक प्लस के हैं 10 तो यहाँ आ जाएगी 10। इस प्रकार हमने इनको संख्या रेखा पर इस प्रकार हमने दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। अब छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखिए, यहाँ पर हमें दो कोण दे रखे हैं उनको चांदे की
सहायता से नापना है और फिर उनकी नाप है वो रिक्त स्थान में लिखनी है। चांदे की सहायता से जब हम नापेंगे तो प्रकृति जो आ रही है हमारे पास 90 डिग्री है, इसका माप हो जाएगा 90 डिग्री है। तो दूसरे को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगी लगभग 155 डिग्री, 155 डिग्री का ये नाप हो जाएगा। इस प्रकार चांदे की सहायता से हम इनके कोणों को माप लेंगे। सातवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जीरो से छोटी कोई 5 संख्याएं लिखिए। जीरो से छोटी संख्याएं होगी जो जीरो से संख्या रेखा पर बाईं तरफ होगी, तो इस तरफ वाली जो भी संख्याएं होगी वो जीरो से छोटी होगी, जैसे -1 -2 -3 वाली। तो हम लिख देंगे 5 संख्याएं -1 -2 -3 -4 और 5, ये माइनस की जो संख्याएं ये सब जीरो से छोटी है। प्रश्न संख्या 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें दो रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनकी पूर्ति करनी है। पहला है वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है, ऐसा कोण न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण होता है। ऐसा कोण जिसका माप एक समकोण यानी 90 डिग्री से कम होगा वो कोण है, वो न्यून कोण कहलाएगा। दूसरा है वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक एवं दो समकोण से कम होता है, ऐसा माप अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण। यह कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आंकलन 4 हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।